आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं उसके साथ शारीरिक रूप से जुड़ना एक नेचुरल सी बात है, और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि संभोग करने से आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। लेकिन कुछ कपल्स ऐसे भी होते हैं जो किडनी की समस्या से जूझ रहे होते हैं। इसलिए आपको बता दें कि किडनी की बीमारी या किडनी फेलियर में हार्मोन, नर्व्स, एनर्जी लेवल, यहाँ तक कि दवाइयों जैसी चीजें हैं जो आपकी संभोग करने की इच्छा को प्रभावित कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कि संभोग करते समय किडनी रोगी को क्या परेशानियां आती हैं। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किडनी फेलियर ट्रीटमेंट प्रेजेंटेड बाय कर्मा आयुर्वेदा, जहाँ हम आपको देते हैं किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारियाँ। ऐसे ही आज हम आपको बताएंगे कि संभोग करते समय किडनी रोगी को क्या परेशानियां आती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो के एंड में हमारे कमेंट शाउट आउट जरूर एंजॉय करें। किडनी की खराबी का न सिर्फ आपकी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, बल्कि इसके साथ ही किडनी रोगी की संभोग करने की उत्तेजना भी कम होने लगती है। इसलिए किडनी रोगी के मन में हमेशा से संभोग करने को लेकर दुविधा रहती है कि क्या संभोग करना ठीक है या गलत। चलिए जानते हैं क्यों होती है किडनी रोगी की संभोग में रुचि कम। किडनी बीमारी या किडनी फेल होने की वजह से संभोग में आपकी रुचि बदल सकती है। सबसे पहले संभोग को लेकर आपकी रुचि कम हो सकती है, और ये इसलिए हो सकता है क्योंकि किडनी रोगी को बीमारी से लड़ने के लिए फिजिकली और भावनात्मक रूप से ऊर्जा की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन समय के साथ आपकी रुचि सामान्य हो सकती है। शायद आप नहीं जानते कि किडनी की दवाइयों के साइड इफेक्ट से हो सकता है खून में गंदे या जहरीले पदार्थों का निर्माण, जो डायलिसिस या दूसरे तरीकों से हटाया नहीं जा सकता। इनमें से कई समस्याओं को आयुर्वेदिक उपचार से ठीक किया जा सकता है। कभी कभी इमोशंस भी बॉडी में संभोग प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें तनाव, डिप्रेशन, विकलांगता, मृत्यु का डर और शादी की समस्याएं जैसे बहुत कुछ शामिल है। कुछ लोगों में किडनी की बीमारी होने से शारीरिक परिवर्तन हो सकते हैं जो उन्हें कम आकर्षक महसूस करा सकते हैं। इससे संभोग करने को लेकर रुचि भी प्रभावित हो सकती है। यहाँ तक कि कपल्स की संभोग लाइफ भी बदल रही है, उन्हें अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। इनमें से कई समस्याओं का इलाज सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तो चलिए अब जानते हैं क्या संभोग किडनी के रोगियों के लिए सुरक्षित है। कुछ रोगी और उनके पार्टनर को ये चिंता हो सकती है कि संभोग करने से रोगी की मृत्यु हो सकती है या डायलिसिस के इस्तेमाल और किडनी ट्रांसप्लांट को नुकसान पहुँच सकता है। अगर संभोग प्रक्रिया रोगी पर किसी प्रकार का कोई दबाव, चिंता या तनाव नहीं डालता है तो इससे नुकसान नहीं होगा। ये डर लोगों के संभोग एक्टिविटीज न करने का कारण बन सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद तब तक संभोग के लिए इंतजार करना जरूरी है जब तक स्टिचेस के निशान ठीक नहीं हो जाते, और अगर एक बार डॉक्टर ने कह दिया तो संभोग एक्टिविटीज कर सकते हैं। बहुत से किडनी रोगियों का संभोग करने का उत्साह कम होने लगता है। चलिए आप जानते हैं यदि समस्या मनोवैज्ञानिक है तो क्या किया जा सकता है। किडनी की बीमारी और किडनी फेल होने जैसी गंभीर बीमारी का सामना करने पर चिंता या उदास महसूस करना सामान्य है। ये भावनाएं संभोग के साथ साथ कई दूसरे कामों में ऊर्जा की कमी और कम रुचि पैदा कर सकती हैं। यदि किसी तरह की संभोग समस्या होती है तो शर्मिंदगी और हीन भावना हमेशा मन में रहती है। डर है कि संभोग समस्या फिर से होगी और इसकी वजह से व्यक्ति संभोग से दूर हो सकता है। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज इन उम्मीदों को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। रोजाना शारीरिक व्यायाम मन को बिजी रखने में मदद करता है और बॉडी के आकार में सुधार कर सकता है। यदि संभोग समस्याएं जारी रहती हैं तो संभोग थेरेपी मदद कर सकती है। भले ही समस्या मनोवैज्ञानिक हो, शारीरिक समस्या के लिए बताए गए कुछ उपचार मददगार हो सकते हैं। चलिए आप जानते हैं कि क्या संभोग थेरेपी मदद कर सकती है। संभोग थेरेपी कपल्स और व्यक्तियों की संभोग समस्याओं से संबंधित होती है। संभोग थेरेपी में पहला कदम व्यक्ति या कपल के लिए संभोग करने की सही नॉलेज या जानकारी देना होता है। डॉक्टर घर पर संभोग की जाने वाली एक्टिविटीज के बारे में परामर्श दे सकते हैं। इनमें कम्युनिकेशन एक्सरसाइज, डिप्रेशन कम करने की एक्टिविटीज और सुखद स्पर्श देने और प्राप्त करने की कौशल में सुधार के तरीके शामिल हैं।
संभोग थेरेपी कम संभोग रुचि, संभोग करते समय दर्द और दूसरी परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकती है। ये थेरेपी संभोग करने पर पुरानी बीमारी के असर के माध्यम से एक व्यक्ति को काम करने में भी मदद कर सकती है। जानिए किडनी के मरीज खुद की मदद कैसे कर सकते हैं। आपको बता दें कि किडनी की बीमारी और उसके उपचार के बारे में जानने में एक्टिव रहें, संतुलित आहार का पालन करें, सभी दवाइयों को ठीक से लें और किसी भी तरह के साइड इफेक्ट के बारे में डॉक्टर को बताएं। इसके अलावा मांसपेशियों की टोन शक्ति की मदद करने के लिए एक व्यायाम प्रोग्राम के लिए पूछें। यदि आवश्यक हो तो आपका डॉक्टर वजन बढ़ाने या किसी कार्यक्रम का सुझाव दे सकते हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, ऐसी चीजों से दूर रहें जो आपकी संभोग क्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे बहुत अधिक शराब पीना और धूम्रपान करना आदि। क्या बच्चा पैदा करने में कोई समस्या है? वीर्य उत्पादन किडनी की बीमारी से प्रभावित नहीं होता, लेकिन हाँ, गर्भाशय में जटिलताएं हो सकती हैं और गर्भावस्था बॉडी पर बहुत तनाव डाल सकती है। अगर आपको किडनी की बीमारी या आपकी किडनी फेल है तो ये आपको और आपके अजन्मे बच्चे के स्वास्थ्य को खतरे में डालने के लिए काफी है। ये किडनी की बीमारी को और भी बदतर बना सकता है। यदि आप गर्भवती होने का सोच रही हैं तो आपको अपने डॉक्टर से सावधानी से चर्चा करनी चाहिए। तनाव न लें और जितना हो सके सावधानी बरतें। आप खराब किडनी को ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक उपचार भी ले सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक उपचार से किडनी को कोई साइड इफेक्ट का खतरा नहीं होता है। आयुर्वेदिक औषधियों के साथ बैलेंस डाइट में फलों को लेने से आसानी से खून को बढ़ाया जा सकता है, इसलिए आयुर्वेदिक उपचार लेने से किडनी फेलियर खून को बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी किडनी में कोई भी समस्या है तो इसको अनदेखा न करें, और अगर आप अपनी किडनी के लिए इलाज लेना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक इलाज सबसे सुरक्षित है। आयुर्वेदिक इलाज में आपकी किडनी को कोई नुकसान नहीं होता। आयुर्वेदिक इलाज पूरी तरह प्राकृतिक है, जो अपना काम पूरा प्राकृतिक तरीके से करता है। अगर आप किडनी के लिए सबसे अच्छा आयुर्वेदिक उपचार चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जी, क्या नाम है मरीज का? अजाम प्यारी राठौर। कहाँ से आए? सीतापुर यूपी। जब आए थे क्या दिक्कत हो रही थी? दिक्कत उनको डायलिसिस करवा रहे थे और उनको क्रिएटिनिन लेवल 8.1 था। ठीक है। उस समय जो है 1.2 है। डायलिसिस करा रहे हैं अभी? अभी नहीं करा रहे हैं। सूजन वगैरह है अभी कहीं पे? सूजन इस समय बहुत ही बिल्कुल नहीं है। पहले सूजन हो रही थी? पहले हो रही थी। जब डायलिसिस करा रहे थे तब सूजन हो रही थी? हाँ। और अब डायलिसिस नहीं करा रहे तो सूजन नहीं हो रही है? दवाई से कुछ आराम है अभी। ठीक है। और किसी तरह की कोई दिक्कत? और दिक्कत पीस में शोल्डर में जो है पेन रहता है। ठीक है। बाकी सूजन वगैरह और सब चीज़ें फिट महसूस कर रही हैं अभी? हाँ, चलने फिर में थोड़ा जो है पहले से रिलीफ है। बहुत बढ़िया। कितना समय हुआ अभी दवाई शुरू करें? एक महीना हुआ। सेकेंड महीने के लेने आए हैं हम। ठीक है।